Hey, hello everyone, welcome back. मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जो हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। तो गाइज, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कलर्ड बॉल पेन्स का कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल गाइज पेंटोनिक की तरफ से आने वाले बॉल पेन्स है ना, एंड हमारे पास अवेलेबल है फ्लेयर कार्बोनिक्स 2। यहाँ पे भी हमको 10 कलर्ड पेन्स देखने को मिल जाते हैं गाइज। तो दोनों जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उनमें 10 कलर पेन्स आपको मिल जाते हैं, एंड ये दोनों बॉल पेन्स हैं। इसके पहले गाइज हम एक कंपैरिजन लेके आए थे आपके लिए, ये वाला, तो इसमें हमने जेल पेन्स कंपेयर किए थे, ठीक है। तो वो एक जेल पेन का कंपैरिजन था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमने कहा क्यों ना बॉल पेन्स पे भी बनाए। तो गाइज इन दोनों पेन सेट को आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इनको हम जज करने वाले हैं गाइज वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि इनकी स्मूथनेस कैसी है, इनका शेड कैसा है। जैसे कलर्ड बॉल पेन काफ़ी लाइट हो जाते हैं कई बार, तो ऐसा ज़्यादा लाइट तो नहीं है। क्या ये वाटर प्रूफ है, एंड क्या ये स्मच करते हैं। तो गाइज ये सारी टेस्टिंग हम करने वाले हैं, एंड देन हम लास्ट में हमारा वर्डिक्ट आपको देंगे कि आपको इन दोनों सेट में से कौन सा वाला पेन का सेट लेना चाहिए गाइज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो गाइज स्टार्ट कर देते हैं इन दोनों पेन सेट की अनबॉक्सिंग से। तो इन दोनों को ओपन करके देख लेते हैं इनके अंदर से क्या निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं ले लेता हूँ हमारा पेंटोनिक यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हमारा पेंटोनिक आ चुका है, एंड इसको अनबॉक्स हम कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक मैप्ड का कटर है, ठीक है, पेपर कटर। तो इससे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये गाइज ओपन हो चुका है, एंड इसमें से कुछ पेन्स हैं जो हम निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो ये हमारे पास गाइज टोटल 10 शेड्स हैं, है ना। एक बार इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे कुछ ऐसी ब्रांडिंग है पेंटोनिक, एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अल्ट्रा लो विस्कस इंक है ना, मैट फिनिश है ना, और इसमें कुछ प्राइस लिखा हुआ है 120 फॉर वन सेट, और 10 यूनिट्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है ना, 10 पीसेस। तो ये इसका बॉक्स था, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज हमको देखने को मिल जाते हैं हमारे टोटल शेड्स। तो गाइज ये वो टोटल शेड्स हैं जो आपको इस पेन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से कलर से मैं बता देता हूँ, आपको मिलता है रेड, डार्क ग्रीन, ब्लू, देन आपको मिलता है गाइज यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, लाइट ग्रीन, यहाँ पे आपको मिलता है पर्पल, पिंक, ऑरेंज एंड स्काई ब्लू। तो गाइज ये हमें कुछ शेड्स हैं जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड गाइज अगर बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का ये पेन दिखता है, ठीक है। और इसका बिल्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ग्रे कलर का पेन है, ठीक है, काफ़ी स्टर्डी है, हाथ में बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है। एंड इस टाइप पर इसका पिंक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर पिंक नॉच देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे जो इसका कैप है यहाँ पे हल्का सा बेसिकली आपको पिंक शेड देखने को मिल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पकड़ने में इसका ग्रिप जैसे नॉर्मल पेंटोनिक आपने यूज़ किया होगा सिमिलर ही है। इसका कैप है, यहाँ पे इसकी क्लिप है, सब प्लास्टिक बॉडी है, ओवरऑल पूरा हार्ड प्लास्टिक है ना। इसको मैं बंद करता हूँ तो ऐसे कोई क्लिक लॉइज नहीं आता, ये स्नग फिट हो जाता है, ठीक है, ऐसा टाइट फिट हो जाता है। ओके, तो इसी टाइप के हमको गाइस बाकी के शेड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सारे के सारे शेड देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ब्रांडिंग की बात करें तो सिंपल मिनिमलिस्ट ब्रांडिंग होती है पेंटोनिक की, तो यहाँ पेंटोनिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिंक की तरफ से आने वाले ये पेन थे, इनका एक फिजिकल ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया है ना। अब गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे बॉक्स की। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा फ्लेयर का कार्बोनिक, ठीक है, इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये पैक आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ पीछे क्या है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है फ्लेयर कार्बोनिक्स 2, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ सस्ता है ना उस वाले मॉडल से, हमारे लिंक से। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूँ। ओपन करने के लिए यहाँ पे दो स्टिकर्स हैं, इनको आपको खींचना है, ठीक है। देन आप सिंपली इसको पकड़ के पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, सिंपली आप इसको ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग है, इसको साइड में रखता हूँ। तो इस टाइप से गाइज हमको ये पेन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से शेड्स मिलते हैं, तो गाइज यहाँ पे लाइन से अरेंज है, आप एक बार देख सकते हैं। तो ये शेड्स हमको देखने को मिलते हैं, एक बार इनको निकाल लेता हूँ, बॉक्स को साइड में रख देते हैं हम लोग गाइज। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से शेड्स हैं गाइज उसकी एक बार बात कर लेते हैं। हमको गाइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है रेड, स्काई ब्लू, देन देखने को मिलता है नॉर्मल ब्लू, देन पिंक, लाइट ग्रीन, अगेन पर्पल, ग्रे, ऑरेंज, ग्रीन, डार्क ग्रीन है बेसिकली, एंड हमें ब्राउन देखने को मिल जाता है। सो गाइज ओवरऑल ये हमारे पास टोटल जो शेड्स हैं 10 शेड्स आते हैं वो ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन दिखा दूं शेड्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज ये दोनों पेन्स को, ठीक है। ये हमारे पेंटोनिक हैं, ये हमारे हैं फ्लेयर की तरफ से आने वाले कार्बोनिक्स 2 गाइज, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब गाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लेयर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अगेन कार्बोनिक जो ब्लू वाला आता है सेम पेन है वैसे ही, अगर आपने कार्बोनिक्स यूज़ कर रखा है तो, ठीक है। अगेन ये भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पे ऊपर अगर जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज आपको यहाँ पे कैप देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी ऑरेंज कलर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एक्सेंट नहीं है, तो इसको आप ऐसे पकड़ के लिख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इसका जो ग्रिप है, इसका ग्रिप थोड़ा सा अलग है। जैसे पेंटोनिक में क्या था, पेंटोनिक पूरा फ्लैट है, ऐसा पेंटोनिक पूरा यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल डिज़ाइन देता है। यहाँ पे आपको ऐसा मिलता है कि यहाँ तक सिलेंड्रिकल है, देन यहाँ पे एक नॉच है, देन थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ से फ्रस्टम जैसा थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल डायमीटर कम हो जाता है। तो उसको आप ऐसे पकड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा है, तो इसकी ग्रिप थोड़ी अच्छी है, ठीक है। हम जब लिख के देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि ग्रिप कैसी है इसकी। ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं आगे एंड टेस्ट कर लेते हैं गाइस कि इनकी स्मूथनेस कैसी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक आ चुकी है, अगेन ग्रीन इंप्रेशन सीरीज की पेपर क्राफ्ट की नोटबुक है हमारे पास, ठीक है। एक नोटबुक पे भी रिव्यू हमने बनाया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी रिव्यू जल्दी आएगा, है ना गाइस। तो इस पर हम टेस्ट करने वाले हैं गाइस इस सारे पेंस की कैसे ये चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं हमारे फ्लेयर की तरफ से आने वाले कार्बोनिक स्टू। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पिंक शीट ले लिया है एंड इससे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं गाइस हम। ओके, तो हेलो एवरीवन। ओके गाइस, तो ये काफ़ी डार्क है, फ्लेयर की एक अच्छी बात है, डार्क पेन है ये, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज फ्लेयर, है ना। तो गाइस ये काफ़ी डार्क मुझे लगा, चलने में भी बहुत स्मूथ है, अच्छा चल रहा है ये पेन, ठीक है, कार्बोनिक स्टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इंक ब्लॉबिंग की अगर मैं बात करूँ कि इंक कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रही है, तो अभी तो नहीं हुई है, मैं आपको और सैंपल्स दिखाऊंगा। तो स्मज टेस्ट करते हैं पहले इसका। तो यहाँ पे मैं इसका स्मज टेस्ट कर देता हूँ गाइस, ये स्मज लिखा है। ओके, तो गाइस बहुत ही मिनिमल स्मज है, मतलब आप रेडीली अगर हाथ लगा देंगे तो स्मज है, नहीं तो जनरली स्मज नहीं करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम रख के स्मज करा टेस्ट करके देखता हूँ। ओके, 1 2 3। ओके, तो गाइस आप देखेंगे आप बिल्कुल स्मज नहीं हुआ है। तो रेडीली अगर हाथ लगता है तो स्मज होता है, नहीं तो नहीं हो रहा है स्मज। तो कलर काफ़ी डार्क लगा मुझे, अच्छा लगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं गाइस हमारा दूसरा पेन, ठीक है। अगेन मैं पिंक कलर ले लेता हूँ इसकी तरफ से भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा पेंटोनिक। तो इससे भी सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख के देखता हूँ कैसा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है। तो हेलो, ओके गाइस, तो ये भी अच्छा है, स्मूथ ये भी है, बस ये थोड़ा सा इसका शेड जो है लाइट है, हल्का सा यहाँ पे हल्का सा लाइट शेड है। ओके गाइस, तो इसका स्मज टेस्ट और मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्मज गाइस नहीं हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली थोड़ा सा ये कम डार्क है ना, इतना ज़्यादा थिक स्ट्रोक नहीं है इसका, तो ये थोड़ा सा कम स्मज हो रहा है फ्लेयर से, ठीक है। थोड़ा अगर टाइम और मैं देख के करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे आप। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी समझ नहीं हुआ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आप जैसे देख पा रहे होंगे दोनों पेन्स में, दोनों ही पेन स्मूथ हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो फ्लेयर का पेन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डार्क है, है ना, और जो हमारा पेंटोनिक है वो उसका हल्का सा शेड लाइट है। यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, आप यहाँ पे ये कुछ सैंपल्स हैं इनको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्लासमेट की नोटबुक यूज़ की है, जो आप डेली लाइफ में स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ऊपर पिंक है, तो यहाँ पे वो हल्का सा ज़रा डार्क है, ये हल्का सा लाइट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है एंड कुछ सैंपल टेक्स्ट लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पे इसका ग्रीन थोड़ा सा डार्क है, इसका थोड़ा सा लाइट है। एक चीज़ और है, क्योंकि ये पेन डार्क है तो इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो इंक ब्लॉबिंग होती है, जैसे कई बार आप बॉल पेन से लिखते हैं तो इंक का एक स्पॉट बन जाता है, है ना, तो इंक का एक मोटा सा थक्का लग जाता है, तो वो आप देखेंगे तो वो हल्की सी चीज़ दोनों ही पेन्स में वैसे वो मुझे देखने को मिली थोड़ी थोड़ी, बट वो चीज़ फ्लेयर में थोड़ी ज़्यादा है। बट अगेन गाइस, अगर आप एक डार्क पेन चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लिखेगा यहाँ पर, है ना। मैं आपको ऑरेंज शीट भी दिखा देता हूँ गाइस, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज शीट से भी लिखा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगेन ऑरेंज में भी आप कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा मुझे फ्लेयर ज़्यादा डार्क लगा एज़ कम्पेयर टू लिंक। लिंक का जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म मुझे लगा, ठीक है, एंड फ्लेयर का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है गाइस। तो गाइस दोनों पेन्स हमने देखे हैं यहाँ पे, तो मेन डिफरेंस ये है कि लिंक का जो स्ट्रोक है बेसिकली वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, ठीक है, पर वो हल्का सा लाइट है। फ्लेयर का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखता है ना, देखने में मुझे थोड़ा सा डार्क पेन ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। एंड बट उसमें एक इशू है कि वहाँ इंक ब्लॉबिंग जो होती है कि इंक के थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा स्टिक होने लगती है, वो थोड़ा सा फ्लेयर में कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पे आपकी एक पर्सनल चॉइस बन जाती है कि आप दोनों में से क्या फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। अब भाई इन पर हम टेस्ट करके देख लेते हैं हमारे हाइलाइटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हाइलाइटर्स मौजूद हैं फ्रॉम फेबरकासल एंड यहाँ पे सौरभ की तरफ से, तो इनको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये पेन हाइलाइटर प्रूफ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास नोटबुक है, इस पर मैं कुछ लिख के देखता हूँ एंड यहाँ पे मैं वापस से पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इस बार मैं ग्रीन पेन ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
हाइलाइटर। हाइलाइटर टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है किससे, दिस इज हमारा फ्लेयर। ये सेम चीज मैं लिख लेता हूँ, इसका भी डार्क ग्रीन शेड लेता हूँ, इससे भी लिख लेते हैं हाइलाइटर। यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा लाइट मुझे लगा पेंटोनिक बॉल यहाँ पे, दिस इज कमिंग फ्रॉम लिंक पेंटोनिक, ठीक है। तो इन दोनों पे गाइस हम टेस्ट करते हैं हमारे हाइलाइटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड हाइलाइटर मौजूद है, इसको मैं इस पर टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं ऊपर। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, कोई भी इशू नहीं है, अच्छे से हो गया है, कोई भी स्मज मुझे देखने को नहीं मिला। लिंक पर टेस्ट कर लेते हैं गाइस, अगेन लिंक में भी सेम रिजल्ट है गाइस, कोई भी स्मज देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे मैं फेबर कासल के भी हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, तो उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गोल्डन कलर, तो ये मैंने गोल्डन कलर ले लिया है। ओके, एंड इसको अब मैं यूज़ करके देखने वाला हूँ। तो रिमेनिंग टेक्स्ट तो मैं गोल्डन कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि कोई भी इशू नहीं है, है ना, दोनों ही मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है दोनों को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरह का इशू नहीं आया है, एंड काफ़ी अच्छे से हाईलाइट दोनों हो गए हैं, ठीक है। किसी भी तरह का स्मज मुझे देखने को नहीं मिला है। अब सवाल उठता है कि कलर पेंस को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है, तो वो पर्सनल चॉइस, अगर आप करना भी चाहें, ठीक है। एक और चीज़ होती है गाइस, इंक ब्लीड, है ना, तो इंक ब्लीड भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि इस टाइप का, इसको मत देखिए, ये तो हाइलाइटर है, यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लीड तो है ही नहीं, और शो थ्रू भी नहीं है, मतलब इंक ऐसा दिख भी नहीं रहा है, ऐसा पीछे वाले पेज पर कई बार दिखता है ना लिखा हुआ आगे का, तो वो भी नहीं है, शो थ्रू भी नहीं, और ब्लीड तो किसी टाइप का है ही नहीं। तो गाइस अगर यही चीज़ हम देखते हैं एक नॉर्मल नोटबुक पर, जैसे क्लासमेट पे मैंने यहाँ पे लिख के देखा था, इसका 67 GSM पेपर होता है, यहाँ पे अगर आप ये चीज़ चेक करें कि ब्लीड कैसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा टेक्स्ट है, एंड पीछे अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ पे शो थ्रू तो डेफिनेटली है ही, दिख ही रहा है पेन, और ब्लीडिंग भी है हल्की हल्की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़े थोड़े स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं हमको, तो और ये जो चीज़ है गाइस, ये चीज़ हमको फ्लेयर में ज़्यादा देखने को मिल रही है ना, ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये ऊपर यहाँ पे फ्लेयर है, तो यहाँ पे फ्लेयर में डॉट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एंड लिंक पे ये काफ़ी कम है, लिंक में बस सी थ्रू है, ठीक है, मतलब दिख रहा है क्या लिखा हुआ हल्का हल्का, बट कोई ब्लीड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हमको फ्लेयर में थोड़ा सा ब्लीड ज़्यादा देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो अगेन अगर आप फ्लेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो फ्लेयर के साथ आपको थोड़ी सी अच्छे GSM वाली नोटबुक यूज़ करना पड़ेगी, एंड नॉर्मल अगर आप नोटबुक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली लिंक थोड़ा सा हमको लाइट मिलता है, बट वहाँ पर ब्लीडिंग हमको देखने को बहुत कम मिलती है। तो गाइस अब आ जाता है मैं लास्ट टेस्ट पे, दैट इज़ वाटर प्रूफिंग टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही पेन से कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एंड दोनों पे हम ब्रश से पानी लगा के देखेंगे वाटर प्रूफ है कि नहीं गाइस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विथ, क्या है ये फ्लेयर, दिस इज आवर फ्लेयर, ठीक है। एंड यहीं पे ये सेम चीज़ मैं लिखता हूँ विथ द लिंक पेंटोनिक। वैसे तो गाइस जनरली बॉल पेन जो होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं जनरली, ठीक है, तो आई होप ये भी होने चाहिए, ठीक है। पर फिर भी हम टेस्ट करके दिखा देते हैं। काफ़ी लोगों ने, आपने लास्ट टेस्ट में हमें रिकमेंड किया था कि बॉल पेन पे भी हम हाईलाइटर एंड वाटरप्रूफिंग टेस्ट करें, तो हमने किया है गाइस, है ना। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, नीचे वाले बटन को आप दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। ओके, तो दिस इज़ लिंक, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास एक वाटर होल्डर है, यहाँ पे मेरे पास एक ब्रश है, तो मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस पानी यहाँ पे निकाल देता हूँ, एंड देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर पानी लगा दिया है फ्लेयर पे अच्छे से, तो यहाँ पे तो मुझे किसी भी टाइप का स्मजिंग वगैरह देखने को नहीं मिली है, ठीक है। अगेन मैं इसको डिप कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस पानी निकाल देता हूँ। अब यही सेम चीज़ मैं लिंक पे करके देखता हूँ, तो ये मैंने लिंक पे भी काफ़ी अच्छे से पानी लगा दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिंक भी देख सकते हैं गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से पेपर वेट हो चुका है, अलग ही दिख रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं गाइस कि कैसा ये फैलते हैं या नहीं। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे वेट किया ऑलमोस्ट अबाउट 40-50 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे इस टाइप तो कुछ मेजर स्मज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई इंक ब्लीड देखने को भी मेजर नहीं मिला है। हाँ, हल्का हल्का इंक यहाँ फैली ज़रूर है दोनों ही पेंस में, हल्की हल्की, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि एकदम ही इंक बह गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है
है ना। तो एक बार मैं थोड़ा और पानी लगा के देख लेता हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपके लिए एक टेस्ट कर देते हैं। तो ये एंड ये तो काफ़ी वेट हो चुका है पेपर यार गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पानी है पेपर पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा कोई मेजर इंक ब्लीड देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंक ऐसा नहीं है डिजॉल्व होकर पूरी निकल रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इरिटेशन करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे करता हूँ ब्रश से। ओके तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों ही पेन काफ़ी अच्छे से टिके रहे हैं, है ना। यहाँ पे पानी भी आपको शाइन दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छे से दोनों पेन टिके रहे हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ गाइज, ठीक है। तो बॉल पेन दे जनरली टिके रहते हैं बॉल पेन, जेल में इशू ज़्यादा आता है ना। तो गाइज यहाँ पे वाटर प्रूफिंग टेस्ट में मैं दोनों को पास बोलूँगा। ओके गाइज तो अब आ चुके हैं हम हमारे फाइनल वर्डिक्ट सेक्शन पे, जहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों पेन के सेट में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो गाइज दोनों पेन के सेट को मैं पहले समराइज कर देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे फ्लेयर के पेन्स आ रहे हैं गाइज, ये थोड़े से ज़्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू पेंटोनिक, है ना। बट यहाँ पे इनका ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम बात करें पेज के पीछे इंक दिखने की, हम बात करें अगर सी थ्रू की या इंक ब्लीड की, तो वो थोड़ा सा फ्लेयर में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है। लिंक में हमें किसी भी टाइप का ब्लीड नहीं देखने को मिला, सी थ्रू बेसिकली हल्का हल्का दिखता है पीछे वाले पेज पर कि क्या लिखा है, बट फ्लेयर में वो रिलेटिवली ज़्यादा था। तो अब ऑप्शन होता है कि यार आपको ज़्यादा डार्क पेन चाहिए या आपको सी थ्रू से बचना है। तो अगर आप एक हाई क्वालिटी पेपर नोटबुक यूज़ करते हैं, जैसे अबव 70 GSM, हमने नोटबुक पर भी एक रिव्यू बनाया था, आई बटन पर आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पर ना फ्लेयर अच्छे से चलेगा, आपको किसी भी टाइप का ब्लीड देखने को नहीं मिलेगा जैसे हमने आपको करके बताया। बट एक नॉर्मल नोटबुक पे है ना 67 GSM, जो 60 GSM के नीचे है, उसमें डेफिनेटली आपको इसका पीछे इंक ब्लीड देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। वाटर प्रूफिंग टेस्ट में दोनों पास हो गए, हाइलाइटर टेस्ट में भी दोनों पास हो गए, आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो बाकी बहुत सिमिलर रिजल्ट है ना। एंड एक फैक्टर है गाइस प्राइसिंग, जो आपको पेंटोनिक मिलता है वो 120 rupees का MRP है एंड इसका MRP 100 है। MRP के नीचे भी दोनों कई बार आपको 90 के भी मिल जाएंगे, दोनों 100 के भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी बार प्राइसिंग दोनों का सेम हो जाता है, बट MRP पे मैं कंपेयर करूँ तो ये 20 rupees ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। बिल्ड की अगर मैं बात कर लूँगा तो बिल्ड डेफिनेटली, अब बिल्ड एक सब्जेक्टिव मैटर है, आपको ये भी पसंद आ सकता है ये भी आ सकता है ना। तो मुझे बिल्ड ज़्यादा पेंटोनिक का पसंद आया, बट मुझे एक चीज़ खास इसमें पसंद आई गाइस कि जैसे ये टेबल पे दोनों पेन पड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर जल्दी से हमें कुछ कलर चुनना है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों फ्लेयर को देख के ज़्यादा इजी लगा कि यार यहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए डार्क, तो ये जल्दी से मैं उठा लूँगा। यहाँ पे देखने में इतना मुझे क्लियर नहीं दिखता है ना। अभी एक सब्जेक्टिव मैटर है, बहुत निटपिक कर रहा हूँ मैं, बट एक थोड़ा सा मैंने बात बताई कि यहाँ पे इसको देख के कलर चूज़ करना इज़ रिलेटिवली सिंपल, है ना। और बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली पेंटोनिक की ज़्यादा पसंद आई, ठीक है, सिमिलर ही है दोनों की, ये भी बहुत अच्छा बिल्ड है, बट यहाँ पे मुझे इसका बिल्ड एंड इसका ग्रिप रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। तो गाइस आई होप आपको ये कंपैरिजन बहुत पसंद आया होगा। तो आपने इन दोनों पेन सेट में से कौन सा लेने का फैसला किया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे बताएं कि आपके पास अगर ये पेन ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है एंड उसके रीजंस क्या है। ये कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो भी नए बच्चे लेना चाह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप, है ना गाइस। तो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट यार है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे गाइस, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा क्लिक हियर, है ना, उसको आप दबाएंगे तो वहाँ से भी सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।